नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चौरे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टडी वायर में। और मित्रों, आज हम इस वीडियो के द्वारा महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक कवर करने जा रहे हैं। और मित्रों, यदि आप लास्ट तक इस वीडियो को देखते हैं तो 40+ सारी पुस्तकें आपको मुजबानी याद हो चुकी होगी। ठीक है मित्रों, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली पुस्तक है भारत भ्रष्टाचार भारत छोड़ो। ठीक है, तो ये भ्रष्टाचार भारत छोड़ो बुक है और ये लिखी कौन है? किरण बेदी ने। तो आप जानते कि किरण बेदी भारत की प्रथम महिला आईपीएस है। तो आईपीएस बनी और इनने कम क्या करा? तो भ्रष्टाचार करप्शन को क्या करा? कम करा। तो हम ऐसा ही से याद रख सकते कि किरण बेदी भारत की प्रथम आईपीएस है और आईपीएस करते क्या है? भ्रष्टाचार को कम करते हैं। तो भ्रष्टाचार भारत छोड़ो ये बुक किसने लिखी? तो किरण बेदी ने। ठीक है मित्रों, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड बुक अ गाइड टू प्राइवेट इक्विटी। तो अ गाइड टू प्राइवेट इक्विटी ये लिखी है नेहा भुवानिया ने। तो अ गाइड टू प्राइवेट इक्विटी कौन ने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है नेहा भुवानिया ने। पुस्तक नंबर थर्ड देखते हैं, अ बिलियन इज इनफ। ठीक है, अ बिलियन इज इनफ ये बुक लिखी है अशोक गुप्ता ने। तो अशोक गुप्ता जी बोलते हैं कि जो बिलियन है, ठीक है, बिलियन भर रूप है, ये मेरे लिए काफी है, इनफ है। तो अ बिलियन इज इनफ ये लिखी है अशोक गुप्ता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इकोनॉमिक्स नाइटमेयर ऑफ इंडिया। तो इकोनॉमिक्स नाइटमेयर ऑफ इंडिया कौन ने लिखी है? तो चौधरी चरण ने लिखी है। तो इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया लिखी है चौधरी चरण ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन लाइफ इज नॉट इनफ। तो वन लाइफ इज नॉट इनफ लिखी है नटवर सिंह ने। ठीक है, तो नटवर सिंह कौन सी पुस्तक लिखते हैं? तो वन लाइफ इज नॉट इनफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गीता रहस्य। तो गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी है तिलक ने। ठीक है, तो जब गीता पढ़ते हैं हम तो क्या लगाते हैं? तिलक लगाते हैं, उसके बाद गीता पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो गीता रहस्य कौन ने लिखी है? तो तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कैंडिडेट। और द कैंडिडेट ये लिखी, ये बुक लिखी है अनिरुद्ध भट्टाचार्य ने। ठीक है, तो हम ऐसा याद कर सकते हैं कि जो भट्टे होते हैं, भट्टे खरीदने के लिए हमको किसकी जरूरत होती है? कैंडिडेट की। तो द कैंडिडेट बुक लिखी है अनिरुद्ध भट्टाचार्य ने। नेक्स्ट पुस्तक देखते हैं हम, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो ये बुक है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर और ये लिखी है संजय बारू ने। तो हम ये बोल सकते हैं कि संजय ने पी दारू और इनका क्या हो गया? एक्सीडेंट। तो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर तो ये कौन ने लिखी है? तो संजय बारू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉफी टेबल। तो नेक्स्ट बुक है हमारी कॉफी टेबल और ये लिखी है के गिरी प्रकाश। तो जब कॉफी को रखा कहां पर? टेबल के ऊपर। तो कॉफी को जब टेबल के ऊपर रखा तो क्या हो गई? वो गिर गई। ठीक है, तो हम इससे याद रख सकते हैं कि कॉफी टेबल नामक बुक कौन ने लिखी? तो के गिरी प्रकाश ने। मित्रों, आपको इसके थ्रू चीजें याद हो रही होगी और एक से दो बार ये वीडियो जरूर देखिए, तब और अच्छे से चीजें याद हो जाएगी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेथ ऑफ अ सिटी। डेथ ऑफ अ सिटी है अमृता प्रीतम की। तो डेथ ऑफ अ सिटी बुक है और ये लिखी कौन ने? तो अमृता प्रीतम ने लिखी है। नेक्स्ट बुक देखते हैं, एंड देन वन डे। ठीक है, एंड देन वन डे और ये बुक लिखी है नासिरुद्दीन शाह ने। तो एंड देन वन डे किसने लिखी है? तो नासिरुद्दीन शाह ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रेन टू पाकिस्तान। तो ट्रेन टू पाकिस्तान मतलब हम ये पुस्तक लिखे खुशवंत सिंह ने। तो खुश होके हम कहां जाएंगे? पाकिस्तान। तो ट्रेन टू पाकिस्तान लिखी है खुशवंत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, बुक नंबर 14 इंडिया एट रेस्ट। तो इंडिया एट रेस्ट बुक लिखी है जसवंत सिंह ने। किसने लिखी है? तो जसवंत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सब्सटेंस एंड द शैडो। तो ये बुक है सब्सटेंस एंड द शैडो, ये लिखी है दिलीप कुमार ने। किन्ने लिखी है? दिलीप कुमार ने। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ये बुक है द लीगेंड्स ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद एंड मिस्टर फनी बोन्स। तो ये बुक लिखी है ट्विंकल खन्ना ने। कौन ने लिखी है? ट्विंकल खन्ना ने लिखी है द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद एंड मिस्टर फनी बोन्स। ठीक है, और ये है बीवी कौन की? अक्षय कुमार की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पैसेज टू इंग्लैंड। अगली पुस्तक हो जाएगी कौन सी?
पैसेज टू इंग्लैंड, और यह बुक लिखी है नीरज सिंह चौधरी ने। कौन लिखी है? नीरज सिंह चौधरी ने। ठीक है, कौन सी? पैसेज टू इंग्लैंड। नेक्स्ट बुक देखते हैं, नीम के पेड़। नीम के पेड़ एक बुक है और ये लिखी है राही मजूम रजा ने। नीम के पेड़ कौन ने लिखी है? राही मजूम रजा। तो जो राही होता है वो जब रोड के साइड से चलता है तो उसे किसके पेड़ मिलते हैं? नीम के पेड़। तो नीम के पेड़ लिखी है राही मजूम रजा ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, चरित्रहीन। तो चरित्रहीन एक बुक है और ये लिखी है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। तो चरित्रहीन कौन ने लिखी है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। अगली पुस्तक देखते हैं हम, तो ये चार पुस्तक है जो कि लिखी है विक्रम सेठ ने। तो हम नीचे से देख लेते हैं, सबसे पहली बुक हो जाएगी इन इक्वल म्यूजिक। पहली पुस्तक कौन सी हो जाएगी? इन इक्वल म्यूजिक, ये लिखी है विक्रम सेठ ने। सेकेंड हो जाएगा अ सुटेबल बॉय, ये भी लिखी है विक्रम सेठ ने। और सानेट, ये भी लिखी है विक्रम सेठ ने। और द गोल्डन गेट, ठीक है, तो द गोल्डन गेट, सानेट, अ सुटेबल बॉय और इन इक्वल म्यूजिक, ये चारों के चारों बुक किसने लिखी है? तो विक्रम सेठ ने लिखी है। अगली बुक देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है राजनीति की रपटीली राहें और संसद के तीन दशक। तो राजनीति की रपटीली राहें और राजनीति के तीन दशक, ये लिखी है हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, तो ये कौन हो जाएंगे? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखी है राजनीति की रपटीली राहें और संसद के तीन दशक। नेक्स्ट बुक देखते हैं, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर। तो अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर बुक लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने। किन्ने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर। तो मित्रों आई होप आपको इतनी सारी पुस्तकें याद हो गई होगी। अगली बुक देखते हैं, बुक नंबर 24, ठीक है, तो ये पुस्तक हो जाएगी अ मिडनाइट चिल्ड्रन। पहली पुस्तक हो जाएगी अ मिडनाइट चिल्ड्रन और सेकंड हो जाएगी द सेफनिक नर्सेस। तो ये दो पुस्तक हो जाएगी और ये लिखी है सलमान रुश्दी ने। कौन सी पुस्तक? तो अ मिडनाइट चिल्ड्रन और द सेफनिक नर्सेस। पुस्तक नंबर 25 देखते हैं, ये बुक है अनटू दिस लास्ट। तो अनटू दिस लास्ट ये पुस्तक लिखी है जॉन रस्किन ने। तो जॉन रस्किन ने कौन सी पुस्तक लिखी है? अनटू दिस लास्ट। नेक्स्ट पुस्तक देखते हैं, योगी आदित्यनाथ। तो 26वें नंबर की पुस्तक है योगी आदित्यनाथ और ये लिखी है प्रवीण कुमार ने। तो प्रवीण कुमार ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट पुस्तक देखते हैं प्रवीण कुमार की, तो ये पुस्तक है द राइजेस ऑफ सेफ्रॉन सोशलिस्ट। तो द राइजेस ऑफ सेफ्रॉन सोशलिस्ट, यह बुक लिखी है प्रवीण कुमार ने। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। तो बुक नंबर 27 हो जाएगी हाउ द बीजेपी विंस। हाउ द बीजेपी विंस, तो ये पुस्तक लिखी है प्रशांत झा ने। कौन लिखी है? प्रशांत झा ने लिखी है हाउ द बीजेपी विंस। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, हैप्पीनेस इन दिस लाइफ। तो हैप्पीनेस इन दिस लाइफ, ये पुस्तक लिखी है पोप फ्रांसिस्को ने। ठीक है, पोप फ्रांसिस ने लिखी है हैप्पीनेस इन दिस लाइफ। अगली बुक है 29, दो लोग। कौन सी पुस्तक है? दो लोग। तो अगर हम इस गुलजार को दो भागों में बांट दें तो क्या हो जाएगा? गुल और जार, ये दो भागों में बांट दिया तो हम बोल सकते हैं कि जो दो लोग हैं वो कौन है? गुल और जार। तो दो लोग पुस्तक कौन ने लिखी है? तो गुल जार ने। नेक्स्ट पुस्तक देखते हैं, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिखी है नेल्सन मंडेला जी ने। कौन लिखी है? नेल्सन मंडेला ने। और ये 1990 में इन्हें मिला था निशान ए पाकिस्तान पुरस्कार, 1992 में मिला था भारत रत्न और 93 में नोबल पुरस्कार किने, तो नेल्सन मंडेला जी को। अगली पुस्तक देखते हैं हम, इंदिरा गांधी अ लाइफ ऑन नेचर। तो इंदिरा गांधी लाइफ ऑन नेचर, ये पुस्तक लिखी है जयराम रमेश ने। किसने लिखी है? जयराम रमेश। अगली पुस्तक देखते हैं, चंद्रकांता। तो अगली पुस्तक है 32 चंद्रकांता और ये लिखी है देवकी नंदन खत्री ने। अगली बुक देखते हैं देवदास, और देवदास पुस्तक लिखी है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। किसने लिखी है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। नेक्स्ट पुस्तक देखते हैं, भारत की दुग्ध क्रांति के 50 वर्ष। तो भारत की दुग्ध क्रांति के 50 वर्ष, ये पुस्तक लिखी है राधा मोहन सिंह ने। ठीक है, किसने लिखी है? राधा मोहन सिंह ने। अगली पुस्तक देखते हैं, हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल। तो हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल, और ये बुक लिखी है राम कुमार मुखर्जी ने। ठीक है, कौन है? राम कमल
मुखर्जी ने लिखी हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल। नेक्स्ट पुस्तक आ जाती है 36 नंबर की, द अगली पुस्तक हो जाती है द रायसीना मॉडल, और द रायसीना मॉडल ये लिखी है मेघनाथ देसाई ने। कौन लिखी है? मेघनाथ देसाई ने द रायसीना मॉडल। अगली बुक देखते हैं हम, तो अगली बुक हो जाएगी वॉर इन 100 कैरेक्टर्स। तो वॉर इन 100 कैरेक्टर्स ये लिखी है डेविड पेट्री राकोस ने। तो वॉर इन 100 कैरेक्टर्स ये लिखी है डेविड राकोस ने। और नेक्स्ट पुस्तक हो जाएगी चाइनास इंडिया वॉर। तो चाइनास इंडिया वॉर लिखी है बर्लिन लिंटनर ने। कौन लिखी है? बर्लिन लिंटनर ने। नेक्स्ट पुस्तक देखते हैं हम, डिमोनेटाइजेशन एंड ब्लैक मनी। तो डिमोनेटाइजेशन एंड ब्लैक मनी लिखी है अरुण कुमार ने। कौन लिखी है? अरुण कुमार ने। अगली पुस्तक देख लेते हैं राज कपूर। तो पुस्तक का नाम है राज कपूर और ये बुक लिखी है रितु नंदा ने। कौन लिखी है? रितु नंदा ने। और इस वीडियो की ये अंतिम पुस्तक हो जाएगी हिट रिफ्रेश। तो हिट रिफ्रेश लिखी है सत्य नडेला ने। कौन लिखी है? सत्य नडेला ने। तो मित्रों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और यदि ये पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सारे मित्रों को बताइए। तो मित्रों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। ओके, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।